दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइजर। आज अपने इस वीडियो में LIC के टर्म प्लान की बात करने जा रहे हैं। 1 करोड़ का टर्म प्लान, वह भी फ्री में। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले अगर हम LIC के टर्म प्लान की बात करें और खासतौर से ई टर्म प्लान की बात करें, क्योंकि ई टर्म प्लान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि LIC का जो ई टर्म प्लान है उसकी प्रीमियम अपेक्षाकृत नॉर्मल प्रीमियम से थोड़ी कम है। तो यदि आपकी अवस्था 30 साल की है और 1 करोड़ का बीमा अगर आप करते हैं और 35 साल की पॉलिसी लेते हैं, यानी जो टर्म है अगर वो 35 साल का लेते हैं, तो नॉन स्मोकर केस में जो प्रीमियम आती है वो आती है 18,672 रुपए। अब यदि देखा जाए कि आपने पॉलिसी को 35 साल चलाया, यानी 35 साल आपने यदि रेगुलर प्रीमियम जमा की, तो आप टोटल अपने पास से 6,53,520 रुपए जमा कर देंगे। चूंकि टर्म प्लान है तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, यानी 35 साल जब पूरे हो जाएंगे और आपके साथ अगर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ये जो आपने 6,53,520 रुपए जमा किए, ये सारे के सारे पैसे आपके समाप्त हो जाएंगे, आपको 1 रुपए रिटर्न नहीं मिलेगा। यदि 35 साल के बीच में अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस LIC 1 करोड़ रुपए का भुगतान कस्टमर के नामनी को कर देगी। यानी 35 साल के बाद निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल आएगा कि मेरा 6,53,520 रुपए नष्ट हो गया, बेकार हो गया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक बार 3 लाख रुपए जमा कर दीजिए, और यदि आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा कि रिस्क कवर आपका 1 करोड़ का चलता रहेगा, फिर आपको कोई प्रीमियम जमा नहीं करनी है। यदि किसी कारण से अगर डेथ हो जाती है, कस्टमर डेथ कर जाता है, इन दैट केस 1 करोड़ रुपए जो बीमे का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो 3 लाख रुपए जमा किए रहेंगे ये वापस हो जाएगा। और जब पॉलिसी आपकी 35 साल चल जाएगी, यानी जो 35 साल का आपने ई टर्म लिया है वो 35 साल पूरा चल जाएगा, उसके बाद भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। यानी यदि आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 35 साल तक जो टर्म प्लान का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, साथ में जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी उसके बाद भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले LIC में एक पॉलिसी है जीवन अक्षय 6। यदि आपको जीवन अक्षय 6 की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जीवन अक्षय 6 के मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके जीवन अक्षय 6 की जानकारी ले सकते हैं। तो यदि आप जीवन अक्षय 6 लेते हैं और जीवन अक्षय 6 का ऑप्शन F लेते हैं और आपकी एज 30 साल की है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी पेंशन बनेगी वो सालाना पेंशन हो जाएगी 19,575 रुपए। अब यदि आपने ई टर्म लिया है तो आपकी जो प्रीमियम आ रही है ई टर्म प्लान में वो आ रही है 18,672 रुपए। ये जो 3 लाख रुपया आप जीवन अक्षय 6 में डाल रहे हैं उससे अगले साल से आपको 19,575 रुपए मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 लाख रुपए प्लस GST को आप जमा कर दीजिए जीवन अक्षय 6 में। इस जीवन अक्षय 6 से 19,575 रुपए जो आपको रिफंड मिलता है उसमें से 18,672 रुपए आप LIC के ई टर्म प्लान में जमा कर दीजिए, तो आपका 1 करोड़ का बीमा चलता रहेगा। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है इसमें। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि इन केस अगर कस्टमर की डेथ कर जाती है, कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए तत्काल मिल जाएंगे जो आपने ई टर्म प्लान लिया हुआ है उससे। और यह जो जीवन अक्षय 6 है इसके 3 लाख रुपए जो आपने जमा किए हैं वो वापस हो जाएंगे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, नील, यानी पॉलिसी आपकी फ्री है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, अगर कस्टमर जीवित रहता है पॉलिसी की मैच्योरिटी तक, तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर 35 ईयर 19,575 रुपए की सालाना पेंशन चालू हो जाएगी। जब तक ग्राहक जीवित रहेगा 19,575 रुपए उसको सालाना पेंशन मिलती रहेगी, और जब भी वह कस्टमर नहीं होगा, पेंशन लेने के बाद जब भी वह कस्टमर नहीं होगा, तो जो 3 लाख रुपए उसने जमा किए हुए थे वो 3 लाख रुपए उसके नामनी को वापस हो जाएंगे। यानी यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आपका निल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो जानकारी है आपके लिए फायदेमंद रही होगी।
और इसका उपयोग लेकर आप अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।